रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर रुबीना नसरीन रामलेखन सिंह यादव कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट में कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं सेमेस्टर 6 के उर्दू स्टूडेंट के लिए तारीख इस्लाम चैप्टर के यूनिट 2 पर गुफ्तगू करूँगी। आज का मेरा टॉपिक है अरब में फैली हुई जाहिलियत और हिजरत नबवी। अरब कौम बिल्कुल अनपढ़ थी। खुदा की ज़ात और सिफात का सही तसव्वुर, रसालत की नौइयत और अहमियत, वही का मफहूम, अल्लाह की किताब का फहम, आखरत का तसव्वुर, इबादत का सही मतलब, गर्ज ये कि इनमें से कोई चीज़ ऐसी ना थी जिससे वो पहले से वाकिफ हों, या फिर ये लोग अपने पुराने रस्म और रवाज के जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि इनसे इंच भर हटना इनको सख्त नागवार था। जबकि इस्लाम जो कुछ पेश करता था वो इसके आबाई मजहब के बिल्कुल खिलाफ था। शिर्क से पैदा होने वाली तमाम ज़हनी बीमारियां इनमें मौजूद थीं। तोहम परस्ती ने इनकी अक्ल को बेकार कर रखा था। आपस की लड़ाइयां गोया के कौमी खसूसियात बन गई थीं और इनकी वजह से इनके किसी मसले पर संजीदगी से सोचना आसान ना था। वो जो कुछ सोचते लड़ाई और खाना जंगी के अंदाज पर सोचते थे। आम तौर पर लूट मार ज़रिया माश था। इस तरह अंदाज़ा किया जा सकता है कि जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको इस्लाम की दावत देते थे तो उनके सामने एक ऐसी बात आती थी जिसको इससे पहले ना उन्होंने सुना था और ना समझा था, और जो बाप दादा के चलन और ख्यालात के बिल्कुल खिलाफ थी, जिनको वो अब तक सीने से लगाए हुए थे। इस दावत का मुतालबा था कि लड़ाइयाँ बंद करो, अमन के साथ रहने का फैसला करो, लूट मार करना गलत है, फासिद ख्यालात, बुरी आदत और सबसे ज़्यादा ये कि हराम ज़रिया माश फौरन छोड़ दो। जाहिर है कि एक ऐसी पुकार पर साथ देने के लिए इन लोगों को तैयार करना इंतहाई मुश्किल काम था। गर्ज़ यह कि पूरी दुनिया के हालात, अरब के हालात और जिस कौम से वास्ता था, इनकी आदत और खसूसियात, कोई चीज़ भी ऐसी नज़र ना आती जो बज़ाहिर इस दावत के लिए साजगार कही जा सकती हो। लेकिन जब नतायज सामने आते हैं तो मालूम होता है कि वो बिजली का कड़का था या सौत हादी, अरब की जमी जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी, पड़ा हर तरफ गुले पैगाम ये हक से, के गूंज उठे दश्त तो जबल नाम हक से। इसके साथ ही अरब के जो जाहिलियत कर रहा था उसके बारे में मैं बात अभी ख़त्म कर रही हूँ, और हिजरत किसे कहते हैं उसके बारे में मैं चंद बातें बता रही हूँ। इस्लामी इस्तलाह में सिर्फ अल्लाह के दीन की खातिर अपने वतन को छोड़कर किसी ऐसी दूसरी जगह चले जाना जहाँ दीन के तकाजे पूरे हो सके, हिजरत कहलाता है। मक्के से रवानगी। जब कुफार कुरैश के लोगों ने जो रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए तय की थी, उस रात आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल चुका है, मैं आज रात मदीना रवाना हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत से लोगों की अमानतें जमा हैं, ये तुम सुबह उन लोगों को वापस कर देना और आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोते रहना ताकि देखने वाले मुतमईन रहें कि मैं घर में मौजूद हूँ। कुफार कुरैश एक तरफ तो आपके खून के प्यासे थे, लेकिन इस हाल में भी आप ही को एक ऐसा अमानतदार और दयानतदार समझते थे कि अपनी अमानतें और माल लाला कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। रात को कुफार ने आपका घर घेर लिया। जब रात ज़्यादा हुई तो आप खामोशी और इत्मीनान के साथ मकान से बाहर निकले। उस वक्त आप सूरह यासीन के आयत नंबर 1 तिलावत फरमा रहे थे। आपने एक मुट्ठी पर खाक शाहतिल वजूह यानी जिस चेहरे बिगड़ जाएं फरमाते हुए कुफार की तरफ फेंकी और उनके दरमियान से होकर तशरीफ ले गए। उस वक्त अल्लाह ताला की कुदरत से उन महासरा करने वालों पर कुछ ऐसी गफलत तारी हुई कि वो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ ले जाते हुए देख ही ना सके। आप हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर तशरीफ ले गए और वहाँ से उनके हमराह मक्के से बाहर जाकर गार सौर में छुप गए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला जो उस वक्त नौ उम्र थे, उनको उन साहबान के पास रहते और सुबह मक्के में जाकर पता करते कि कुफार अब क्या मशवरा कर रहे हैं, और जो कुछ मालूम होता इनसे उन दोनों बुजुर्गों को भी बाखबर करते रहते।
कुछ रात गए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम बकरियों का दूध ले आता या कभी घर से कुछ खाना पहुंच जाता। इसी तरह 3 रातों तक ये दोनों साहेबान वहां ठहरे रहे। जब काफिरों ने देखा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत फरमा गए तो बहुत परेशान हुए और आपकी तलाश में इधर उधर दौड़ पड़े। एक बार ये लोग आपको ढूंढते ढूंढते उस गार के मुंह तक आ गए जहाँ आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो छुपे हुए थे। उन लोगों के कदमों की आहट पाकर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुछ परेशान हो गए। इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी जान का खतरा था, बल्कि इसलिए कि कहीं अल्लाह के रसूल को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। आपने उनकी घबराहट देखकर नहायत ही इत्मीनान के साथ उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ला तहज़न इन्ना अल्लाह मअना, यानी घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। चुनांचे ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से गार के मुंह पर कुछ ऐसी अलामतें पैदा हो गईं कि उन्हें देखकर काफिरों ने समझा कि इस गार में कोई दाखिल नहीं हुआ है। साथ ही कुफार और कुरैश ने यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करके लाएगा तो उसे 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। इस इनाम का ऐलान सुनकर कितने ही आदमी आपकी तलाश में इधर उधर निकल पड़े। चौथे दिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर से निकले और एक रात और एक दिन बराबर सफर करते रहे। सफर के लिए हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तैयार की हुई 2 उम्दा ऊँटनियाँ पहले से तय हो चुकी थी। रास्ता बताने के लिए भी एक जानने वाले को मुकर्रर कर लिया गया था। दूसरे दिन दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो गई तो एक चट्टान के साया में कुछ देर आराम करने के लिए ठहरे। करीब ही कोई चरवाहा मिल गया, इसकी बकरियों का दूध पिया और फिर वहां से रवाना हुए। जिस वक्त आप रवाना हो रहे थे कि अचानक एक शख्स सराका बिन जैशम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। ये शख्स इनाम के लालच में आपकी तलाश में निकला था। इसने आपको देखकर अपना घोड़ा दौड़ाया और घोड़े ने ठोकर खाई और गिर पड़ा, लेकिन वो फिर संभला और फिर हमला करने के लिए तैयार हुआ। अब जो आगे बढ़ा तो अल्लाह की कुदरत के उसके घोड़ों के पांव घुटनों तक जमीन में धंस गए। अब तो सराका परेशान हो गया और समझ गया कि मामला दूसरा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला न कर सकूंगा, और फौरन डर कर अपने आप को आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और अमान की दरख्वास्त की। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको माफ कर दिया और अमान दे दी। ये भी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजजा था। अब इस टॉपिक से मैं चंद सवाल आपके सामने पढ़ रही हूँ। पहला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त अरब माशरे में फैली हुई जाहिलियत पर रोशनी डालिए। दूसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना किन वजूहात के बिना पर किया। तीसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने का वाकया अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। शुक्रिया।